इसका यूज जो है आप एक ब्रश से कर सकते हैं, इस तरह से रफली मत कीजिएगा, इसको जो है एक साइड कीजिएगा, लेफ्ट कीजिए या राइट कीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही साइड से कीजिएगा जिसके वजह से ये हेयर आपका ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ये देखिए एक ही साइड से करना है आपको, लेफ्ट या राइट जो भी है एक साइड से कीजिए, रफली मत ये कीजिएगा जिससे आप भी बाल आपके ब्रेक हो सकते हैं। और एक कोम से इसको मैं जो है और अच्छे से ये कर लूँगा ताकि ये अंदर तक भी और हर हेयर के पूरी जगह ये मिक्सअप हो जाए ताकि ये अच्छा से अप्लाई है पूरे हेयर में। ये नेचुरल हेयर कंडीशन है, इसके बाद आपका हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की और बहुत ज़्यादा हेयर जैसा लगेगा। तो अब देख सकते हैं इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है, ये मैं बताऊँगा, इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने ये होम रेमेडीज में मैंने क्या क्या यूज़ किया है। देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से इसको अप्लाई कर लिया, उसके बाद का ये कंडीशन है मेरा। इसको मैं 15 मिनट्स के लिए रख दूंगा, उसके बाद मैं इसको शैम्पू करूँगा। इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है ये हम देखेंगे। इसमें मैंने वाइट एग का यूज़ किया, सिर्फ वाइट एग है, येलो जो पोर्सन है उसको मैंने नहीं डाला, सिर्फ वाइट एग ही डाला है। और इसमें हम यूज़ करेंगे पैरासूट का जो कोकोनट ऑयल है, कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ कास्टर ऑयल भी यूज़ कर